नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रीशु त्यागी। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह मनाया गया। स्वच्छता और जल ही जीवन मिशन के तहत सराहनीय कार्य करने वाली जल सहिया कर्मी और पंचायतों को इस दौरान सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर सूखा और गीला कचरे को उठाव के लिए पंचायतों को एक रिक्शा भी वितरित किया गया है। वहीं इंजीनियर अनूप ने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं और अब पुरुषों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। महिलाएं अब पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं। मौके पर पीएचडी के कार्यपालक अभियंता अनूप हाजदान समेत जिले से आए विभिन्न प्रखंड पंचायत की विशेषकर महिला मुखिया प्रमुख और जिले की भारी संख्या में जल सहिया शामिल थी। बोकारो सिटी इलाके में लगातार रात में खड़े गाड़ियों के टायर चोरों द्वारा लगातार चोरी किए जा रहे हैं और इस वजह से पुलिस भी लगातार हो रही इन चोरी की घटनाओं को लेकर बेहद परेशान है। इस मामले में एसपी पूज्य प्रकाश ने टीम गठित की। कुल 5 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 13 टायर और चोरी में इस्तेमाल किए गए सामान और इसके साथ ही एक कार जिसका इस्तेमाल गाड़ियों से टायर चोरी करने में हुआ करता था, पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि लगातार पूरे इलाके में चोरी के 9 मामले थाने में दर्ज हुए थे और पुलिस के लिए ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि लोग बेहद परेशान थे और आए दिन रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे उनकी गाड़ियों के पहिए चोर चुरा कर ले जा रहे थे। बोकारो सिटी एरिया में विगत 2-3 महीना में लगातार पार्क किए हुए गाड़ियों का टायर चोरी हो रहा था। हाल में 3324 हरला थाना कांड संख्या में टायर की चोरी हुई थी, जिस संदर्भ में अनुसंधान के क्रम में एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर कुछ लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन पर उन्होंने बताया कि विगत जो 2-3 महीना में 9 गाड़ियों में जो चोरी हुई इसी टीम के द्वारा किया गया है। उनके निशानदेही के आधार पर अन्य जो शामिल अभियुक्त कर्मी थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके निशानदेही पर जो चोरी किए गए टायर और क्रैक करने वाले धनबाद का जो ब्यूटी कार जो एक दुकान चलाते थे वहां से भी कुछ चोरी हुए टायर बरामद किया गया है। और उधर दुमका लोकसभा उम्मीदवार सुनील सोरेन के समर्थन में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने छत्तीसगढ़ के सीएम इस दौरान पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव दुमका पहुंचे हुए थे। विष्णुदेव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के हर घर पर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा गया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने के लिए लोगों से अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम भ्रष्टाचार में लिप्त थे तभी वो आज जेल में है। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और हमारी पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई है, उससे तो हमेशा तैयार रहती है। और पार्टी से हमको आदेश हुआ था कि दुमका के कार्यकर्ता सम्मेलन में आना है और आज यहाँ बूथ स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें एक एक बूथ से जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सब आए हुए थे और उनके बीच में हमारा आना हुआ था और हमने अनुभव किया जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पिछले बार भाई सुनील सोरेन को 50,000 से जिताए थे लेकिन इस बार दोगुना से भी ज़्यादा, हमको लगता है कि 1,00,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में दुमका लोकसभा भी सहभागी बनेगा।
वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कला केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा कि इससे कलाकारों को एक नया मंच मिलेगा, उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन ने कला केंद्र में बच्चों से लेकर युवाओं को कला की 12 विधाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपना संदेश भी रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीर्ण शीर्ण भवन को एक सुंदर कला केंद्र भवन के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन रायपुर के प्रयासों की तारीफ भी की। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए। कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद विधायक अनुज शर्मा ने इस मौके पर गीत की कुछ लाइनें भी गाकर रिकॉर्ड की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कला की विभिन्न विधाओं के लिए निर्मित कक्ष का अवलोकन किया और कलाकारों से मुलाकात कर उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचाया। मुख्यमंत्री ने क्ले आर्ट के बाल कलाकार मास्टर आदित्य वर्मा से भी मुलाकात की। आदित्य ने इस दौरान जो कलाकृति बनाई है उनकी भी सराहना की गई। उधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने गडई का दौरा किया। नगर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी, पुष्पहार और ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। पुराने से पुराने कांग्रेसी भी घर से निकलकर भूपेश बघेल का चुनाव में सहयोग करने के लिए पहुंचे। भूपेश बघेल का काफिला पैदल ही गंगई माता के दर्शन के लिए मंदिर से निकला। गंगई मंदिर के पुजारी साकेत दुबे ने विधि विधान से मुख्यमंत्री को पूजा कराई और इसके साथ ही आशीर्वाद भी दिया। वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के महंगाई से त्रस्त है। बीजेपी में गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात कही गई थी, जो कि अब तक नहीं हुआ है। बीजेपी का 400 पार नारा खोखला है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। महतारी वंदन योजना के विषय पर उन्होंने कहा कि रविवार को सारे बैंक बंद रहते हैं, तो बीजेपी सरकार ने पैसा किसके खाते में भेजा? अगर इन्हें भेजना ही था तो सोमवार का दिन तय करते, महिलाओं के खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। उधर भारतीय जनता पार्टी में आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में महेश कोराम, गोपी किशन कश्यप, सुरेश नेताम सहित हजारों की संख्या में सर्ववर्ग हिताय समूह के सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सर्ववर्ग हिताय समूह के 2000 से अधिक लोगों ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। वहीं एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसके पूर्व 15 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व विधायक विधान मिश्रा, प्रमोद शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता लेने वाले सर्व वर्ग हिताय समूह के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी देश की सेवा करने वाली पार्टी है। बीजेपी जो कहती है उसे करके दिखाती है। 1952 में हमने संकल्प लिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। गर्व का अनुभव भी हो रहा है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत। हमारी दूसरी घोषणा थी कि 14-15 साल का 2 साल का बोनस 300 प्रति क्विंटल किसान को हम नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माता अटल जी की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के किसानों को
3700 करोड़ रुपए का बकाया, 2 साल का बोनस का भुगतान विष्णुदेव साय जी की सरकार में। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य स्तरीय महापंचायत के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सुझाव हेतु सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें वो अपने सुझाव दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किए गए हैं। उधर रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए विकास उपाध्याय ने एक विज्ञप्ति जारी कर रायपुर में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कार्यकर्ता से अपने अपने बूथ पर जुड़ जाने के लिए अपील की। उन्होंने रायपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, सचिन पायलट और प्रदेश के सर्वोच्च नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लोकसभा चुनाव की लड़ाई को निर्णायक करार दिया। उन्होंने इस निर्णायक लड़ाई में रायपुर की चुनौती भरी सीट में कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर जीतने का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से भ्रामक खबर फैलाने, कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के हथकंडे का प्रतिकार करते हुए आम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, हर कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को भलीभांति समझे कि देश में न्याय की सरकार लाने के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और विगत 55 सालों के दौरान सीआईएसएफ की विश्वसनीयता और क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। आज 17,700 से अधिक बल कर्मियों की मजबूत बल संख्या के साथ सीआईएसएफ 68 हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो, इस्पात और वित्त संयंत्रों आदि सहित देश के 358 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। विशेष सुरक्षा समूह 154 विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व भी बखूबी निभा रहा है। सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा 11 सार्वजनिक उपक्रमों को अग्नि से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस को इस दौरान धूमधाम के साथ मनाया गया और सीआईएसएफ जो देश के लिए कार्य कर रहा है उसकी सराहना की गई। उधर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। महिलाएं पहली किश्त की राशि पाकर काफी उत्साहित दिखाई दी। पीएम मोदी ने महतारी वंदन योजना के तहत बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किश्त भेजी। साथ ही मुंगेली जिले में 2,14,452 हितग्राही भी शामिल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज से वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी। जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर मुंगेली में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का दिन है।
छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का दिन है। पीएम मोदी ने महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में एक एक हजार रुपए भेजे हैं। ये योजना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की एक एक गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। गाँव गरीब और किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए कई योजनाएं मनाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केसीजी जिले के थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो शराब पीने की वजह से उसका मानसिक संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को लगातार मारने काटने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकत देखकर घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, जिस कमरे में मृतक को बंद किया गया था। दरअसल वो रसोई से लगा हुआ कमरा था। इस दौरान युवक ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए रसोई में रखे कांटेदार चम्मच से अपने ऊपर हमला किया और इस तरह की कई कोशिश करने के बाद युवक ने अपनी जान ले ली। सभा सदस्य और सांसद राहुल कसवा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्यागते हुए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज हर्ष का विषय है कि किसान परिवार में जन्मे राहुल कसवा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार देश के किसानों के विरुद्ध कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने किसानों और कृषि के हितों पर कुठाराघात करते हुए तीन काले कानून लागू किए थे। किसान आंदोलन के पश्चात केंद्र सरकार ने जो समझौता किया था उससे भी आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकर गई है, जो कि किसानों के साथ वादा खिलाफी है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उससे पूरा देश दुखी है। उधर कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक सोमवार शाम को हुई। पार्टी हेडक्वार्टर में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और सीईसी के मेंबर्स शामिल हुए। बैठक में राजस्थान और उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पार्टी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी टिकट दिया जा सकता है। सीईसी की पहली मीटिंग 7 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को 39 सीटों के लिए पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई। इनमें से 16 केरल से, 7 कर्नाटक से, 6 छत्तीसगढ़ से और 4 तेलंगाना से थे। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 39 में से 20 नए उम्मीदवार उतारे हैं। 19 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को बरकरार रखा गया। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। शशि थरूर को केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4थी बार टिकट मिला है। एमएसपी पर कानून की गारंटी, बीसलपुर विस्थापितों को जगह और इसके साथ ही डूब क्षेत्र के किसानों सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के जयपुर, दिल्ली, कूच, कोटोंक पुलिस और प्रशासन ने नेशनल हाईवे 52 पर उस्मानपुरा कट के पास बैरिकेटिंग कर रोक दिया। पुलिस ने रोके जाने के बाद किसान
इस दौरान यहां पर एक खाली खेत में अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए पड़ाव डालकर बैठ गए हैं। किसानों का आरोप है कि वो एमएसपी पर कानून सहित टोंक के किसानों की मांगों को लेकर जिला प्रशासन के सामने लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन किसानों की अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते किसानों को अपनी मांगों के लिए जयपुर दिल्ली कूच पर मजबूर होना पड़ा है। किसानों की जयपुर दिल्ली कूच और पड़ाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।